ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी करता रहा वो देता जो सांस बन मेरे हृदय में आता रहा जाता रहा वो देता जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी करता रहा जिसका मिलन मेरे दिए में जिसका मिलन मेरे दिए में विराग का कोई अनोखा गीत बन बजता रहा वो देवता। संत का कर्म होता है तपस्या, आत्म कल्याण के लिए, सर्व सुख शांति के लिए, प्राणी मात्र की रक्षा करना, उन्हें अभय देना, सृष्टि और जगत के सच को अनावृत करना। संत के संविधान में मात्र इतना लिखा होता है, सारा विश्व अपना कुटुंब है, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। बस इसी सिद्धांत पर संत अपना संपूर्ण जीवन स्वाहा कर देता है। माँ हर प्राण हर प्राणी की जननी, माँ शिशु को जन्म देती है और शिशु से जन्म लेता है संत साधु ऋषि। 20 सितंबर 1957 सागर मध्य प्रदेश, एक प्रतिष्ठित जैन परिवार, माता श्री आशा देवी और पिता श्री जीवन कुमार सिंघई के तमाम पुण्य परोपकार के फल स्वरूप उनके आंगन में एक मधुर किलकारी गूंजती है और बालक को नाम दिया जाता है वीरेंद्र कुमार सिंघई। बालक वीरेंद्र पिता श्री और माता श्री के लाडले थे। ईश्वर के आशीर्वाद की तरह सुविधाओं और संस्कारों के खुशहाल परिवेश में बालक वीरेंद्र का लालन पालन शुरू हुआ। बालक के कपोल पर माता श्री का ढिठोना ताकि बालपन को दसों दिशाओं की खिड़कियों से आने वाली गर्म हवा न लगे। तार्किक, कुशाग्र, विनयवान और श्रमशील वीरेंद्र सभी की आंखों का तारा थे और अध्ययन में अव्वल। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना, उम्दा मंच संचालन, अनुशासित और सदा हुआ उनका विद्यार्थी जीवन आज भी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उम्र और कक्षा बढ़ते रहे, वीरेंद्र ने सागर विश्वविद्यालय से एमटेक के एग्जाम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पठन पाठन में गहरी रुचि होने के कारण वीरेंद्र का उस समय के लेखकों और साहित्यकारों से जीवंत संपर्क बना रहता था। अनुत्तर योगी के लेखक वीरेंद्र जैन, तीर्थंकर पत्रिका के संपादक श्री नेमी चंद, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों के गीत रचयिता श्री विठल भाई पटेल, कवि सरोज कुमार तथा कवि राजेंद्र पटोरिया, वीरेंद्र न सिर्फ इन महानुभावों की कृतियां पढ़ते थे बल्कि लेखन के समय विचार विमर्श करते थे और अपने सुझाव भी देते थे। वीरेंद्र के जीवन में न निराशा थी, न ही हताशा, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। इस दौरान वे आचार्य विद्यासागर के सानिध्य में आए। चिंतन, मनन, पठन, वाद संवाद। वीरेंद्र का मन उत्सुकता की तरफ भागने लगा। आग, पानी, हवा, धरती, आकाश सबके होने का अर्थ ढूंढने लगा। ये वो अर्थ है जिसके प्राप्त होने पर आदमी अपना ना होकर सबका होने लगता है। मात्र 23 वर्ष की आयु में वीरेंद्र स्वेच्छा और स्वप्रेरणा से आत्म कल्याण के लिए प्रेरित हुए और अपने आप को आचार्य श्री विद्यासागर जी को समर्पित कर दिया। 10 जनवरी 1980 को वीरेंद्र ने आचार्य श्री विद्यासागर जी से नैनागिरी में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण कर ली।
ये वो समय था जब दीक्षा जीवन के ढलते समय में ली जाती थी। युवावस्था की दीक्षा कौतूहल का कारण बना। माँ ने पूछा था, काए मुन्ना कहाँ गो? तो बड़े भाई ने कहा, तुम आओ मोड़ा चलो गो। उन्हें दीक्षा ले ली। अत्यंत करुणामयी, संवेदनशील और दूसरों की पीड़ा से द्रवित हो जाने वाले वीरेंद्र को आचार्य श्री ने उनके अनुरूप उन्हें क्षमा सागर नाम दिया। 7 नवंबर 1980 को मुक्तागिरी में ऐलक दीक्षा ली और 20 अगस्त 1982 को मैनागिरी में मुनि दीक्षा। ये वृहद कठोर तपस्या है। मात्र एक बार खाना और उतना जितना की अंजुली में आए, स्नान का त्याग, कर कमलों से केश विन्यास करना। बाल्यावस्था में जिन 10 दिशाओं की गर्म हवा से सुरक्षित रखने के लिए माता श्री नजर का ढिठूना लगाती थी, उन्हीं 10 दिशाओं को अपना कवच, अपना अंग वस्त्र मानना। जहां तरलता थी मैं डूबता चला गया, जहां सरलता थी मैं झुकता चला गया, संवेदनाओं ने मुझे जहां से छुआ मैं वहीं से पिघलता चला गया। तमाम रिश्तों को मैं घर पर छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। मुनि श्री क्षमा सागर जी जैन धर्म के प्रत्येक घटित पहलू को वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने का प्रयास करते थे। घर सभी लोग बना लेते हैं, पशु पक्षी भी घर बना लेते हैं, लेकिन मंदिर मनुष्य निर्मित करता है। ये जितने भी मंदिर हमने बनाए हैं उनके पीछे हमारा एक उद्देश्य रहा है। वो हमें एक मैसेज देते हैं, वो एनर्जी के बहुत बड़े रिसोर्स हैं। देखा जाए तो मंदिर में जितना अधिक ध्वनि का महत्व है उतना कहीं और भी ध्वनि का महत्व नहीं है। गुंबद बनाया गया, हमने छोटे खिड़की दरवाजे बनाए, इतना ही नहीं हमने उसमें गेट पर घंटा लगाया। हम जब भी कुछ शुरू करते हैं ओम की ध्वनि से शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो पूरा मंदिर एक ध्वनि का, ऊर्जा का एक स्रोत है। ध्वनि कन्वर्ट होती है ऊर्जा में और फिर वो पूरे के पूरे मंदिर को ऊर्जा का सोर्स बना देती है। घंटे की ध्वनि बाहर के सारे कोलाहल को खत्म करके मंदिर के वातावरण को पवित्र करती है। गुंबद हम जो कुछ भी बोलते हैं वो हम तक वापस लौटा देती है और एक सर्कल निर्मित होता है। आप आश्चर्य करेंगे, हम लोग लिंग्विस्टिक में विश्वास नहीं रखते, हम लोग फोनेटिक रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा ध्वनि के प्रयोग किए हैं, भाषा के प्रयोग नहीं किए। भाषा बहुत थोड़ी सी है, भाषा दूसरा जानता होगा तो कम्युनिकेट होगी, लेकिन ध्वनि प्यार से भरी है या कि कर्कश है या कि मेलोडिकल है या कि म्यूजिकल है, ये सब समझते हैं। भाव भावनाएं सभी अद्भुत, पंछी उड़ान, प्रकृति, सूर्य, सभी उनकी कविताओं के सार और शीर्षक होते थे। मैं तुम्हारा हूं, मुझे उन अर्थों में अपना मत मानना जिन अर्थों में लोग किसी को अपना कह देते हैं। मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई अपना होता है, मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई सबका होता है, मैं तुम्हारा हूं उस तरह जिस तरह कोई परमात्मा का होता है। चिड़िया ने अपनी चोंच में जितना समाया उतना पिया उतना ही लिया, सागर में जल खेतों में दाना बहुत था। चिड़िया ने घोंसला बनाया इतना जिसमें समा जाए जीवन अपना, संसार बहुत बड़ा था। चिड़िया ने रोज एक गीत गाया ऐसा जो धरती और आकाश सब में समाया, चिड़िया ने सदा सिखाया एक लेना देना सब आया। यात्रा पर निकला हूं, लोग बार बार पूछते हैं कितना चलोगे, कहां तक जाना है,
मैं मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। किससे कहूँ कि कहीं तो नहीं जाना, मुझे इस बार अपने तक आना है। बच्चों के परम स्नेही, युवाओं के प्रेरणा स्रोत मुनिश्री कभी किसी पर अपने विचार नहीं थोपते थे, बस एक संत की तरह अपने विचार रख देते थे, सदा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते थे। आयु नदी के बहाव में नाव की तरह बढ़ती रही, मुनिश्री अपनी वाणी का अमृत बरसाते रहे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा बने। हम लोग प्रयास भी करते हैं, हमें बाहर जो जगत दिखाई पड़ता है उसी में हम सारे प्रयत्न करते हैं, सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं जिससे कि हमें सुख मिले। उस सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है वो हम करते हैं, और सारे सुख सुविधा के साधन मिल जाने के बाद भी कोई हमसे पूछे कि तुम्हें आत्म सुख और आत्म शांति मिली, तो हम बड़े उत्साह से कह नहीं पाते, बड़ा संकोच होता है कहने में कि नहीं, हमें आत्म संतोष और आत्म शांति नहीं मिली। हमने प्रयत्न तो उसी आत्म सुख पाने के लिए किया था, हमने ढेर सारे सुख सुविधा के साधन जुटाए थे, सुबह से शाम तक दुकान पर बैठ कर के अपने जीवन को अपनी सांसों को लगाया था, लेकिन मामला बिगड़ गया, सारा परिश्रम हमारा व्यर्थ चला गया। हम बैलगाड़ी से पहले यात्रा करते थे, हमने विकास किया और आज हम हवाई जहाज से और जेट विमान से यात्रा कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। देखने में लगता है कि हमने कितना सारा विकास कर लिया, हम बहुत विकसित हो गए, लेकिन जरा सा विचार करें कि यह जो हमने विकास किया है क्या वो हमें आत्म संतोष और आत्म शांति देने में सहयोगी है। तो हम देखेंगे कि सारे विकास के बावजूद भी हमें जो चीज हम मिस कर रहे हैं वो आत्म शांति ही है। हमने वो सब भी करके देख लिया विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर, लेकिन हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हम नहीं कह सकते कि हमें आत्म संतोष मिल गया है इतना सब कुछ करने के बाद। जब हम बैलगाड़ी में चलते थे तब भी हमारे अंदर उतनी ही कषायें थी, उतनी ही अज्ञानता थी, और आज हम जेट विमान में चलते हैं तब भी उतनी ही आसक्ति है, उतनी ही आकांक्षाएं हैं, उतनी ही कषायें हैं, उतनी ही अज्ञानता है। कहीं कोई विकास आंतरिक जगत में नहीं हुआ है। जो कुछ भी विकास हमने किया है, जो कुछ भी प्रगति हमने की है वो बाह्य जगत में की है और उसी में हम संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा है।
हमें बाह्य जगत में भी प्रगति करना चाहिए, लेकिन बाह्य जगत की प्रगति को ही अंतिम प्रगति मानने की भूल हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी एक और प्रगति है, एक और विकास है, अपनी चेतना का विकास, अपनी आत्मा का विकास, ताकि हम आत्म शांति और आत्म सुख पा सकें। हमने खूब सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, करते ही हैं। उन धार्मिक अनुष्ठान करने वालों से पूछा जाए, आपके मन में कितना आत्मसंतोष आया, आपने तो 4 पूजाएं करी, आपने तो विधान रचाया, आपने तो बहुत बड़ा पंचकालना का आयोजन किया, लेकिन आपको आत्मसंतोष मिला, आत्म शांति मिली, तो मामला 0 ही आता है। सारी धार्मिक क्रियाओं के करने के बाद भी आत्मसंतोष और आत्म शांति को हम मिस कर जाते हैं। इधर धर्म के क्षेत्र में भी हम आत्म सुख और आत्म शांति का प्रयास करते, धार्मिक क्रियाएं दोहराते हैं, लेकिन वहां भी नहीं मिलता। हम भौतिक जगत में भी सुख सुविधा के साधन जुटाते हैं, विकास करते हैं, वहां भी हमें आत्म संतोष और आत्म शांति नहीं मिली। मामला क्या है, कहां हम चूक रहे हैं? सारे संसार में, सारे जगत में 2 ही तरह के विकास हैं, एक धार्मिक और एक भौतिक। धार्मिक विकास करने वाला व्यक्ति भी धार्मिक क्रियाओं में ही धर्म मान लेता है, उन्हीं को दोहरा रहा है। इसी तरह भौतिक जगत में सुख सुविधा के साधन जुटा करके अपने आप को विकसित और प्रगतिशील मान लेता है। यही हमारी अज्ञानता, यही हमारी भूल है। हमारी दृष्टि, हमारा एटीट्यूड चेंज ही नहीं होता। हम कितनी भी क्रियाएं दोहरा लें, यदि हमारे अंदर वही गंदा सोच पड़ा हुआ है, वही गंदा दृष्टिकोण है, अगर हमारा नेगेटिव थॉट्स से नेगेटिव फीलिंग है, तो हमें क्रियाएं दोहराने से कोई फर्क नहीं होगा, हमें बाह्य जगत में विकास करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कितनी भी खोजें कर लें, लेकिन हमने अगर अपनी आत्मा को नहीं खोजा, तो हमारी विज्ञान की जो खोजें हैं वो अधूरी रह जाएंगी। मैं अपने दोनों हाथों से, मैं अपने परिश्रम से अपने भाग्य को भी बदल सकता हूं, बस सिर्फ ये है कि मुझे कैसे जीना है ये मुझे निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे अत्यंत सरल, सहज और संवेदनशील होकर के जीना है, ये मुझे उसका उत्तर स्वयं अपने भीतर खोजना पड़ेगा। और मुझे कर्म इस तरह करना है जैसे कि सूरज उगता है, तो कभी ये नहीं पूछता कि पहले ये बताओ कि कितने लोग उठोगे, सुबह जागोगे, तब तो मैं जरा सोच करके उगूंगा, कितने कमल खिलेंगे जब ये सब निर्धारित हो जाए पहले, अच्छा और जब मैं उगूंगा तो मेरा वीडियो बनाओगे कि नहीं, नहीं देखो तब तो मेरा उगना सार्थक होगा, ऐसा वो कुछ पूछता है क्या? वो तो उग जाता है, वो अपना कर्तव्य करता है अत्यंत सहज होकर। हम भी जो कर्म करें, चाहे पढ़ने का हो, अत्यंत सहज होकर, नहीं तो एग्जामिनेशन फोबिया, एक भय हमारे भीतर व्याप्त हो जाता है कि अरे हम तो नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे तो होगा नहीं। नहीं भैया, मन के हारे हार है, हम अपने मन से क्यों हारे, क्यों हम नेगेटिव थॉट्स लाएं? हम अपने मन में आशान्वित होकर के कर्म करें, सहज होकर के कर्म करें, उस कर्म का बोझ अपने ऊपर ना लें। हमारी जितनी क्षमता है उसको हम लापरवाही से व्यर्थ नहीं करेंगे, हम अपनी क्षमता का सदुपयोग करें, जितनी हमारी क्षमता, और कर्म हार्दिक होकर के करें, अत्यंत हृदय से करें, भावनाओं से प्रेरित होकर के करें। 1 रुपए कागज का है, उसकी क्या कीमत है? अगर उस 1 रुपए के नोट को जलाओ तो 1 बूंद पानी गर्म होगा, और ज्यादा वैल्यू नहीं उसकी, लेकिन उसके ऊपर लगी मोहर, 1 रुपए की मोहर उस कागज के टुकड़े पर लगी होने से वो 1 रुपए का चलता है, 100 रुपए का हो तो 100 रुपए का चलता है, वो मोहर कीमती है कागज के टुकड़े पर। ठीक इसी तरह हमारे कर्मों पर अगर भावनाओं की, सद्भावनाओं की मोहर लगी हो, तो वो हमारा कर्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मुरैना चातुर्मास के समय मुनि श्री का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसका असर उनकी कंठिका पर पड़ा, और बांसुरी समान उनकी मधुर वाणी धीरे धीरे अवरुद्ध हो गई। जब मुनि श्री की आवाज चली गई, तो वो संकेत
और लिखित संवाद करने लगे, लेकिन सदा अपने भक्तों के समीप रहे। स्वास्थ्य गिरता रहा, लेकिन आत्मबल नहीं, वो दुर्बल अवस्था में भी अपनी चर्या स्वयं करते थे। भक्त युवक युवतियां बच्चे सभी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते थे, अपने हिस्से की आयु तक दे देना चाहते थे, लेकिन ईश्वर शायद तय कर चुका था कि उनके दूध का कार्यकाल समाप्त हुआ और 13 मार्च 2015 मुनि श्री समाधिस्थ हो गए। अभी मुझे और धीरे कदम रखना है, अभी तो चलने की आवाज आती है। अब जब हम नहीं होंगे तब इस ब्रह्मांड में मात्र शेष रहेगा हमारा।